जिला परिषद के बाद कांग्रेस ने अब जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुलक के नेतृत्व में ग्राम पंचायत चुनाव में दमदार प्रदर्शन करते हुए जिले में कर लिया है अपना कड़ मजबूत। उर्केश्वर थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना आई सामने। पिता अपनी विवाहित बेटी का शोषण करता रहा था, बेटी के देवर को इसका पता चला। डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज से राहत नहीं मिलने पर दो भाइयों ने क्लिनिक में घुसकर तोड़फोड़ की, डॉक्टर और उनके रिश्तेदार के साथ मारपीट की। रविवार की रात 5-6 युवकों ने तहसील थाना अंतर्गत देवधर मोहल्ले में उत्पात मचाया। एक घर के सामने खड़े 3 दोपहिया वाहनों को लाठी और हथियार से नुकसान पहुंचाया। सोमवार को मनपा मुख्यालय के भीतर आयुक्त कार्यालय में कुछ प्रदर्शनकारियों ने ठीक आयुक्त कक्ष के बाहर किया ठिया आंदोलन। रेल यात्रियों की सुविधा और प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे द्वारा नागपुर से गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेनों का किया गया विस्तार। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को दीक्षा भूमि के पास सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का किया दौरा। मनपा ने मेट्रो के लिए निधि जुटाने हेतु 100% विकास शुल्क वसूलने का लिया निर्णय। यह शुल्क 4 वर्ष पहले यानी 2016 से वसूला जाएगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में संविधान चौक पर किसानों को न्याय दिलाने के लिए किया गया अनोखा आंदोलन। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल ने इतवारी और जबलपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजकर लाखों यात्रियों की उम्मीदें और बढ़ा दी।